नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पूनम चंद। एक और नया वीडियो लेके आपके साथ आया हूं, जो कि वर्मी बेड से हमने खाद तैयार किया है। तो बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। देखिएगा हमारे बद्रीलाल जी, जो कि खाद कंप्लीट कर रहे हो चुका है इनका, और ये छन्नी से छान कर कम्प्लीट कर रहे हैं। ये अंत तक बने रहिएगा। ये छन्नी से छान के खाद को कंप्लीट कर दिया है। पहली परत जो है इसकी कंप्लीट हो गई है। खाद कर भी रख, ये केचुआ खाद कंप्लीट हो गया है। इसको अब सफाई कर रहे हैं। अभी से इसकी तैयारी है, जब भी अपने को जरूरत पड़ेगी उस टाइम इसका यूज कर लें। इसकी जो पहली परत है वो कंप्लीट हो गई। पूरी कंप्लीट हो गई है। इधर इकट्ठा कर दिया, इकट्ठा कर दिया है इसको, और यहाँ से ले लेके अपन छान रहे हैं इसको। ऐसे ये केंचुआ खाद, जो भी केंचुआ है इसमें वो फिर यहाँ पे डाल दें, ताकि फिर अगली परत को ये कर दे कंप्लीट। ये जैविक खाद जो कि केंचुए से तैयार हुआ है। सभी भाई लोगों से निवेदन है कि ऐसी बेड लगाएं और घर पे ही खाद तैयार करें। ताकि किसी की जरूरत नहीं पड़े। ये केंचुआ खाद ये। इसकी जो पहली परत थी वो कंप्लीट हो गई, और अभी कच्चा है। जरा पास में दिखाइए भाई साहब, ये अभी कच्चा है। दिया केंचुए यहाँ तक आ गए हैं, इधर कर दिया इकट्ठा, इधर भी कर दिया इकट्ठा। अब इसको सबको छन्नी से लेके छान रहे हैं हम, और खाद कंप्लीट कर रहे हैं। तो किसान भाई इस पे भी ध्यान दें। ये थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी इसमें, पर पैसे नहीं लगेंगे। आप भी थोड़ी मेहनत करके ये काम चालू करें, बेड लगाएं। अगर बेड नहीं हो तो पक्की बनवाएं, पर करवाएं। सभी किसान साथियों से मेरा निवेदन है कि अपने हाथों से खाद बना हुआ ही अपने को मालूम है क्या इसमें बनाया हुआ है। लोग बात तो कुछ भी जैविक जैविक करके अंदर डाल के कुछ भी दे देते हैं अपने को। इसलिए मेरा निवेदन है लोगों से कि दुकान से ना लाए और घर पे ही बना के खेत में डालें। हमने 2 महीने पहले इस बेड को लगाया था, आज ये कंप्लीट हो गई। ये
ठीक है किसान भाइयों, तो सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि जैविक खेती अपनाएं और बीमारियों से दूर रहें, रासायन मुक्त खेती बनाएं, ताकि अपने और अपने जीवन में आने वाले समय में भी लंबे समय तक चलती रहे और अच्छा उत्पादन रहे। तो सभी भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि सिर्फ सिर्फ जैविक खेती ही करें और जैविक खाद ही डालें। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें ना भूलें।